आगे निकल चुके हैं। मैं 2004 में इंडिया गया हूँ। अच्छा, हाँ इंडिया। किस काम से, मतलब खैरियत से? मैच देखने गया। अच्छा, मैच देखने गए थे दिल्ली में। दिल्ली में। तो कैसे वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के ये हर तरह से वो बेहतरीन लोग हैं। ये 2004 की बात बता रहे हो और आज 2023 में कितना वहाँ पे डेवलपमेंट होगी? दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सा सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो इंडिया लगाने जा रहा है। पहले वो बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड कर रहा था, अब यूएई सऊदीया को भी वो बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। अभी कुछ दिन हुए हैं, एक फंक्शन था वहाँ पे, नरेंद्र मोदी को मैंने देखा है। अच्छा, किधर? टीवी पे दिखाया था, फेसबुक पे। उन्होंने ये कहा है कि यार ये दुश्मनियाँ छोड़ दो, अगर आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हो इंडिया और पाकिस्तान के नौजवानों से, कहा है तरक्की में कामयाबी करके दिखा दो, जंग लड़नी छोड़ दो। तो ये बात बुरी की है। 2004 में आप देखें कि उस वक्त ट्रेन अंडरग्राउंड बनी थी उनकी, तो यहाँ पे आम ट्रेन भी नहीं अच्छी है। वो हर तरह से सोलर सिस्टम पे, हर तरह से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है। टाटा उनका जो है कंपनी, रतन टाटा वाले हैं। उसके अलावा जो भी अंबानी फैमिली जो है, वो लोग हर तरह से टोटल वन टू आर हैं। अभी अगर पाकिस्तान की बात करें, पूरे खित्ते में इस टाइम सबसे ज्यादा पर यूनिट जो रेट है ऑलमोस्ट वो पाकिस्तान ऐसा कंट्री है। ठीक हो गया, क्या कहना चाहेंगे, वजह क्या है? अभी लेकिन जबरदस्त था मेरा टूर, आज भी मैं उस चीज को याद करता हूं 100%। मैं दिल्ली में रहा हूँ, उनकी जो मशहूर जगह थी मस्जिद, दिल्ली बाजार, पालकी बाजार, कुतुब मीनार, ये सारे मैंने देखे वहाँ, जो था ये दिल्ली में ही। लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं बोला। ये देखें, एक पाकिस्तानी जो इंडिया का विजिट करके आया, आज भी ये कह रहा है कि वो दिन नहीं मैं बोला, डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है, एजुकेशन के हवाले से बता रहा है। यही चीज उनकी हुकूमत अच्छी है, वो बेईमान लोग नहीं है, वो जो बात करते हैं साफ करते हैं। जो एक वज़ीरे आज़म है उनको कितने साल हो गए? 10 साल, ऑलमोस्ट 10 साल हो गए। ये 3 साल हुकूमत होती है, नया आ जाता है, 2 साल पर नया आ जाता है। तो वहाँ पे सिख लोग या हिंदू लोगों ने स्पेशली वेलकम किया था, यकीन करें फूलों के हार पहनाए हैं। वहाँ जाकर ये चीज़ मुझे फील ही नहीं हुई। जो हमारा मीडिया बताता है, गवर्नमेंट, मतलब अभी बिजनेसमैन का बिजली से भी डायरेक्ट लिंक होता है, ठीक है, बहुत महंगाई हो चुकी है ना, यूनिट चल रहा है बिजली का, मेरा ख्याल 50 के करीब हो चुका है अब तो। नहीं, जो अपना जो कमर्शियल है वो ऑलमोस्ट 65-70 रुपीस पर यूनिट चल रहा है पाकिस्तान में, जो तो 65 ही है, ठीक है। और ये पूरे खित्ते में, ये पूरे हमारे जितने भी सिटीज हैं, पूरे रीजन, पूरे जितने भी कंट्रीज हैं, पूरे रीजन में सबसे महंगी बिजली हम ले रहे हैं इस टाइम पे, प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या समझते हैं, अभी आज खबर आई है इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ही जो सा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो सा वो स्टार्ट करने जा रहा है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट होगा। क्या वजह है, वो लोग डैम बना रहे हैं सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट, मतलब विंड एनर्जी से ये अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ये चीज़ें क्यों नहीं समझ आ रही? सिंसियर लोग ही नहीं मिले हमारे मुल्क में, जो भी है पीछे जितने भी टाइम 76 ईयर गुजरे हैं, लेकिन कतन किसी को ये एहसास ही नहीं हुआ। वो लोग बेशुमार तरक्की कर चुके हैं, हर लिहाज सिंसियर हैं वो लोग, हर तरह से, वो जिस किस्म की भी वक्त के हिसाब को फैसिलिटीज चाहिए थी, वो एजुकेशन, हर तरह से वो फाइल आगे निकल चुके हैं। मैं 2004 में इंडिया गया हूँ। अच्छा, हाँ इंडिया। किस काम से, मतलब खैरियत से? मैच देखने गया। अच्छा, मैच देखने गए थे दिल्ली में। तो कैसे वहाँ के लोगों का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ के ये हर तरह से वो बेहतरीन लोग हैं। ये 2004 की बात बता रहे हो और आज 2023 में कितना वहाँ पे डेवलपमेंट होगी? 2004 में आप देखें कि उस वक्त ट्रेन अंडरग्राउंड बनी थी उनकी, तो यहाँ पे आम ट्रेन भी नहीं अच्छी है। वो हर तरह से सोलर सिस्टम पे, हर तरह से जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो बेहतरीन है। टाटा उनका जो है कंपनी, रतन टाटा वाले हैं। उसके अलावा जो भी अंबानी फैमिली जो है, वो लोग हर तरह से टोटल वन टू ऑल आईटी में वो कितना आगे चले गए हैं, हर तरह से बेहतरीन है। अभी जब 2004 में मैं रह के आऊँ, मेट्रो ट्रेन मैंने वो देखी है वहाँ पे, कि वो मेरा ख्याल आज तक यहाँ पे आई नहीं। ठीक हो गया, वो हार लिया। फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये 2004 की अपना विजिट का जिक्र कर रहे हैं, 2023 में आप इमेजिन करें कितनी डेवलपमेंट। बहुत जबरदस्त, अब तो समझे वो कंपैरिजन करना ही फजूल है पाकिस्तान के साथ उनका। ठीक है, तो फिर कंपैरिजन करना बिल्कुल, मैं भी ये कहता हूँ इस टाइम फजूल है, सीखना चाहिए। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हर बात में हमें फिर इंडिया का बताते हैं कि भाई इंडिया को ये कर देंगे, कश्मीर ले लेंगे, ये क्यों नहीं बताते कि वो कहाँ से कहाँ चले गए हैं एजुकेशन में, ये क्यों नहीं बताते वो आईटी में किधर चले गए, बिजली में उन्होंने कितना जो सा वो चांद पे पहुँच गए, ये चीज़ें क्यों नहीं बताते? वो बताएंगे तो अपनी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। वो कैसे हो सकता है, अगर वो चीज़ें वो एक्सप्लेन करेंगे, वो अपनी ना, वो दूसरी तो नहीं कर रहे ना, तो
तो लेकिन शायद वो कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम कोशिश इसलिए कर रहे हैं, इन इश्यूज पे बात इसलिए कर, बदल जाएगा वक्त। अच्छा मुझे बताएं, आपने वहाँ पे विजिट किया, बड़ी इंटरेस्टिंग इनसे मतलब यह है कि थोड़ा सा ये आगे आ जाए कैमरे के सामने, आपने उधर विजिट किया, वहाँ के लोग कैसे हैं, मतलब आपको जब उन्हें पता चला एक पाकिस्तानी आया तो वही कंसेप्ट जो हमें बताया जाता है कि जी वो उन्होंने तो मुसलमान को ये नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो देखें वो मुतसब किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, जो किसी को मकसद है कि आगे से हर तरह हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन ज़बरदस्त था मेरा टूर, आज भी मैं उस चीज़ को याद करते हैं 100%। मैं दिल्ली में रहा हूँ, उनकी जो मशहूर मशहूर जगह थी मस्जिद, दिल्ली बाजार, पालकी बाजार, कुतुब मीनार, ये सारे मैंने देखे वहाँ, वो वहाँ पे जो सी मस्जिद है जामिया मस्जिद, जामिया मस्जिद तो सेम ही नक्शा है इनका, इंडिया पाकिस्तान का जो है, तो बेहतरीन है वो, लेकिन मुझे फाइव डेज तो अप्रैल में था, लेकिन ज़बरदस्त मैंने वो मैच इंडिया का जो मेन सिटी उनका जो था ये दिल्ली में ही, लेकिन वो दिन मैं कभी नहीं बोला। ये देखें एक पाकिस्तानी जो इंडिया का विजिट करके आया आज भी ये कह रहा है कि वो दिन नहीं मैं बोला, डेवलपमेंट के बारे में बता रहा है, एजुकेशन के हवाले से बता रहा है, यही चीज़ें अगर हमारे रिलेशन बेहतर हो, हमारी पब्लिक वहाँ जाए या वहाँ पे मतलब ये हमें मीडिया पे बताया जाए कि वो कहाँ पे चला गया, आपको नहीं लगता ये नफ़रतें ख़त्म हो जाएं और हम सीखने की तरफ आ जाएं? असल में सियासतदान ख़त्म करना ही नहीं चाहते, नफ़रतें ख़त्म नहीं करना चाहते, मेन जो लोग हैं ना वो नहीं करना चाहते, क्यों इनकी रोटियां जो लगे वो ख़त्म हो जानी, ठीक हो गया, लेकिन वेल बहुत मुल्क अच्छा है वो, यकीन कर। आपने विजिट किया, मुझे एक मिनट बस दीजिएगा, आपने विजिट किया, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपके सामने जिन लोगों ने विजिट नहीं किया सिर्फ मीडिया से सुना है उनसे पूछते हैं कैसा, मैं उनसे पूछूंगा दोस्त है या दुश्मन है, देखना वो क्या कहेंगे। भाई जान इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? अगर पंजाब के लिहाज से देखा जाए तो सिख वगैरह वो कहते हैं कि मुसलमान और सिख दोस्त हैं, अच्छा, लेकिन हिंदुओं के हिसाब से देखा जाए तो वो कहते हैं कि दुश्मन है, इनसे बड़ा हमारा दुश्मन ही कोई नहीं। हिंदू ये कहते हैं, हिंदू क्यों जी, हिंदू ये कहते हैं अपने तो यार वो मुतसब किस्म के लोग हैं, जो हाई एजुकेशन जो लोग होते हैं ना पढ़े लिखे, वो पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, नेगेटिव को नहीं देखते हैं। अगर वो नेगेटिव चीज़ों को देख रहे होते आज हम आज वो भी हमारी तरह ही सोच रहे होते कि दुश्मन है ये है वो है, तो शायद आज उनकी भी कंडीशन हमारे जैसी होती। अभी कुछ दिन हुए हैं, एक फंक्शन था वहाँ पे नरेंद्र मोदी को मैंने देखा है। अच्छा किधर? टीवी पे दिखाया, अच्छा, फेसबुक पे। उन्होंने ये कहा है कि यार ये दुश्मनियाँ छोड़ दो, अगर आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हो इंडिया और पाकिस्तान के नौजवानों से कहा है, तरक्की में कामयाबी करके दिखा दो, जंग लड़नी छोड़ दो। ये बात बुरी की है उन्होंने? नहीं, बहुत अच्छी की है, मतलब आओ मुकाबला करो एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में। उन्होंने कहा मेरी ये जंग जो है ना आपसे लड़ने की, वार का मामला जो वो ख़त्म, उन्होंने कहा अगर मुकाबलेबाजी है तो मेरी एक है, आओ बिजनेस की फील्ड में आओ, इक्सादियात में आओ, किसी भी टेक्नोलॉजी में आओ, उसमें इकॉनमी में आओ, कामयाबी उसमें करके दिखा दोगे फिर मैं समझूंगा मैं जंग हार गया, अगर मैं ये विन करके समझो मैं विन कर रहा हूं। चैलेंज तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई हम करते हैं। मैं कहता हूँ ओपनली कहता हूँ कि भाई देखें मुझे मुकाबला करना है इंडिया से, लेकिन एजुकेशन में टेक्नोलॉजी में नो डाउट अभी 100 साल लगेंगे शायद, जो कंडीशन चल रही है कई 100 साल लगेंगे, लेकिन ये हमें सोच रखने की जरूरत है। आप जब आए पाकिस्तान में आके लोगों को आपने बताया कि भाई वहाँ पे तो बड़े जो हमें बताया जाता है उस तरीके से नहीं है, बड़ा चेंज है, बड़े एजुकेटेड लोग हैं। मैं कहता हूँ आप यकीन करें, जब मैं बॉर्डर क्रॉस किया ना मैंने, तो वहाँ पे सिख लोग या हिंदू लोगों ने स्पेशली वेलकम किया था, यकीन करें फूलों के हार पहनाए हैं, वहां जाकर ये चीज मुझे फील ही नहीं हुई कि यार जो हमारा मीडिया बताता है वो बहुत अच्छे, ठीक है, सब जगह हर जगह पे हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन मैंने वो अपनी जिंदगी के 5 दिन कभी नहीं बोला, कभी नहीं बोले। और अच्छा अभी हमारे बहुत से देखने वाले इंडिया से हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई मैं आपके वहाँ पे आया, कैसी आपकी मतलब उनकी हॉस्पिटैलिटी थी, कैसे उन्होंने वेलकम किया, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे शुक्रिया का या जो भी? बेहतरीन लोग हैं वो, मुझे मजा आया। असल में क्या चीज़ है, एक ही घर के 2 हिस्से हुए हैं, ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कभी ना कभी इंशाल्लाह ये नफरत खत्म हो ही जाएगी, लेकिन वो कब खत्म होगी? जब वो हम जैसे लोग कोशिश करेंगे। आज नो डाउट बहुत से लोगों को बुरा लगता है कि यार ये क्या इंडिया की तारीफ कर रहा है, वो क्या इंडिया की तारीफ कर रहा है, ये इंडिया का एजेंट है, लेकिन हमारा मकसद ये है पाकिस्तान की बेहतरी की, और वो जब हम नफरतें खत्म करेंगे। अब ये भाई उधर विजिट करके हैं, ये तारीफ कर रहे हैं, और मुझे पता है जेन्युइनली दिल से तारीफ कर रहे हैं, लेकिन शायद आपने विजिट ना किया तो आप यही कहते हैं कि यार दुश्मन है ये, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन विजिट से पहले, अच्छा विजिट से पहले क्या आपका माइंड था कि मैं जा रहा हूं? विजिट से पहले ये चीज थी कि
मुझे बड़ी हसरत थी इंडिया देखने की। अच्छा। अल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश पूरी की, जब मैं उसकी साथ ज़मीन पे मैंने कदम रखा है एक बॉर्डर क्रॉस करके, तो मुझे वो लम्हे वो चीज़ें आज मैंने कभी बोली, वो ज़बरदस्त मुल्क है। और यकीन करें पहले सोच के आती, मतलब होता है ना इंडिया जाने से पहले, यार ये जो मीडिया पे देखा है ये ना हो कि मुझे काट दें, मुझे नहीं नहीं, मेरे दिल में कोई टेंशन नहीं थी। क्यों? वो परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, बड़ा ही रोशन ख्याल था, और वो ऐसा एक विजिट था, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी थी कि कोई भी बंदा आएगा लेकिन उसे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। हो गया। आज तो वीजा ही नहीं ना मिल रहा, आज तो मतलब ये है कि 2023 में जाए हमारे रिलेशंस बेहतर होने के, रिलेशन मजीद खराब होते, क्योंकि उन्हें इशू ये है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, उन्हें इशू ये है कि जब भी हाथ बढ़ाया कहीं ना कहीं, चाहे वो दिल्ली के वाकयात हों या कोई ऐसे कश्मीर के वाकयात हों, उन्हें वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब वो पाकिस्तान करवाता है, कोई अदारे करवाते हैं, या कोई ऐसी फोर्सेज जो नहीं चाहती रिलेशन बेहतर हो, लेकिन उन्हें ये शिकवा है क्रिकेट डिप्लोमेसी के थ्रू बड़े बड़े कंट्रीज की जंगें आपस में रुक गई, बड़े बड़े कंट्रीज के रिलेशन बेहतर हो गए, मतलब एक दूसरे में क्रिकेट का जब एक स्पोर्ट्स के हवाले से, क्या समझते हैं हमारे यहाँ पे भी क्रिकेट डिप्लोमेसी या स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहिए दोनों साइड से, यहाँ से टीम जाए वहाँ से? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसमें क्या चीज़ है, देखें दोनों तरफ से लोगों को एक दूसरे के मुल्क देखने का मौका मिलता है, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट की सतह पर होनी चाहिए ना, ये खुद ही इन्होंने कर लिया। लेकिन नो डाउट एक क्लैश है आपस में, कश्मीर का इशू ले आते हैं हर बात में, 70 साल से चलता वो चलता, वो खत्म नहीं होना। अच्छा। वो एक देखे ना, एक कहाँ पे 1947 वक्त ये चीजें प्रॉब्लम हुई, बस जो भी माइग्रेट करके लोग जस्ट पाकिस्तान में आए, इससे वो चीजें खत्म नहीं हो सकती। क्यों? जब से ये दुनिया देख रही है यही प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, लास्ट में मुझे बस ये बताते हैं, अगर आपको आज फिर मौका मिले इंडिया जाने का तो जाएंगे? 100% कौन से सिटी जाना चाहेंगे? मैं अब चंडीगढ़ जाने को दिल कर रहा पहले दिल्ली का विजिट किया, अब चंडीगढ़। यकीन करो मेरी बड़ी हसरत है, और मैंने ये ख्वाहिश अपनी फैमिली से की है, मैं यहाँ बहुत घूमा पाकिस्तान, चाइना खंजराब बॉर्डर तक मैं देखा, स्कर्दू, ये सारे मुझे चंडीगढ़ देखने की हसरत है इंशाल्लाह। अप्लाई वगैरह किया या अभी? वैसे मुश्किल है आजकल, बहुत, वो तो मैंने भी अप्लाई किया, बहुत मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं, समझ नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन बदल जाएंगे, कभी ना कभी बदलेंगे। और उम्मीद ऐसी रखनी चाहिए, बहुत दिनों बाद कोई ऐसी पर्सनैलिटी मिली जिन्होंने पॉजिटिव बात की, और देखें अच्छे बुरे लोग यहाँ पे भी हैं वहाँ पे भी होंगे, लेकिन हमें एवरेज देखनी है कि कहाँ कितने अच्छे हैं, कहाँ कितने बुरे हैं, कहाँ कितना एजुकेशन सिस्टम बेहतर है, डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा है, हमें ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। और ये बातें जो पाकिस्तान से एक भाई ने विजिट किया इंडिया का और ये चीज़ें शेयर की, यही चीज़ें अगर मीडिया पर शेयर की जाएँ कि आपको लेट्स सपोज बुलाया जाए कि यार ये देखें, या आप जैसे लोग जो वो जाके बताएं कि भाई जो चीज़ें हैं वो रियलिटी कुछ और है, दिखाया कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है यार, ये मैंने कहा है कि खास लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं, प्रॉपर ज़्यादा इस चीज़ को उजागर किया जाता है। एक बात के दो ही पहलू हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जो मर्जी ले लो, हमने नेगेटिव दिखाना है, मतलब हमारा काम ही ठीक है लोग, ठीक है मैं रह के आया हूँ वहाँ पे, मुझे पता है बड़ा अच्छा मैंने जिंदगी, मैंने एक चीज़ वहाँ पे क्या देखी जाके, कि मैं जहाँ भी जाता था तो लोग जब पूछते थे ना मुझसे क्या पाकिस्तान से आए हो, तो वो बड़ी स्पेशली रिस्पेक्ट करते थे कि यार कुछ ना कुछ खाओ, कुछ लो। अच्छा। नो डाउट वो बहुत यार, वो हाँ बस है, मतलब ये एक ही चीज़ है ना मुल्क, मज़ा है वो उसे, मैं कहता हूँ वो छोड़ने वाला मुल्क ही नहीं है, उसे घूमना चाहिए वहाँ पे जा। और ये वो इंसान कह रहा है जिसने विजिट किया है, नो डाउट अच्छा उनके साथ अगर बिहेव किया गया, अच्छा ट्रीट किया गया, तो इसलिए वो आज कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी के सबसे कीमती 5 दिन वो हैं जो मैंने इंडिया में गुजारे, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप इंडिया जाना चाहेंगे अगर विजिट के लिए मौका मिले? नहीं, आप जाना चाहेंगे? जाना चाहेंगे जी, जरूर जाना चाहेंगे जी, जरूर। हो गया जी, अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। सर ये बिजली का भी इशू खत्म होगा हमारा, मतलब ये है कि मामला हल होंगे, हम उम्मीद पे दुनिया का, उम्मीद पे दुनिया का है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद रजा हुसैन शाह। क्या करते हैं सर आप? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं, जबरदस्त। लेकिन सबसे पहले तो मुझे, और ये टॉपिक भी इनके हवाले से है, क्योंकि बिजनेसमैन जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से परेशान रहता है या जितना डायरेक्ट उनका कनेक्शन रहता है, मुझे ये बताइएगा कि बिजनेस कैसा चल रहा है? जीरो। क्या वजह है? बिजली के हवाले से हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी अगर पाकिस्तान की बात करें पूरे खित्ते में इस टाइम सबसे ज्यादा पर यूनिट जो रेट है ऑलमोस्ट वो पाकिस्तान ऐसा कंट्री है, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे, वजह क्या है? अभी मुझे ना बिल आया ना, वो 140 यूनिट चले हैं, उसका मुझे 7,000 रुपया बिल आया है, ठीक है। इन्होंने जो काम किया हुआ है ना 6 महीने का, एक महीना जब
200 यूनिट ज्यादा होते हैं, इन्होंने 7-6 माह का बिल वही लेना है। 140 यूनिट का 7,000 रुपया बिल आया है। अभी खबर ये आ रही है इंडिया, हम जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर चुका है, और वहाँ पे जो उनसे क्या उसे कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा ये जो उनसे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट है, वो लोग अपने बिजली कई एरियाज में फ्री दे रहे हैं 300 यूनिट, और कई एरियाज में 5-6 रुपये यूनिट, 4 रुपये यूनिट चल रहा है। उन्होंने कैसे मैनेज किया? वो उनका मैंने लुक है, वो लोग अच्छे हैं, हम लोग बुरे मुसलमान होने का बेईमान है, ये सही बात है। जो जो हुकूमत आती वो ऐसी करती है, नवाज शरीफ वो अपने पैसे बनाएगा, हाँ पैसे बनाएगा वो चल जाएगा लाला खैर सला। अच्छा नहीं, उनकी रीजन क्या था? वो अच्छे लोग हैं, कैसे अच्छे हो गए? उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, उनके हुक्मरान सिंसेर हैं, या उनकी पब्लिक एजुकेटेड है, क्या वजह है? उनकी हुकूमत अच्छी है, वो बेईमान लोग नहीं है, वो जो बात करते हैं साफ करते हैं। जो एक उनका वजीर आजम है उनको कितने साल हो गए? 10 साल, आलमोस्ट 10 साल हो गए। ये 3 साल हुकूमत होती है नया आ जाता है, 2 साल पर नया आ जाता है, चार ऑथेंटिक बात है। देखें जब तक कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम नहीं पूरा कर पाएगा, वो अपनी पॉलिसीज को भी उस तरीके से नहीं पूरा कर, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑलरेडी वो बांग्लादेश को बिजली दे रहे हैं, मतलब बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ये जो प्रोजेक्ट है इसके थ्रू वो UAE और सऊदीया को भी बिजली दे रहे हैं। वो ये कंट्री ऐसा जो नेबर कंट्री है, वो पूरी दुनिया को ऑलमोस्ट जो है वो बिजली एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और हम जो है यहाँ 70 रुपए यूनिट, कहीं 70 रुपए यूनिट है यहाँ पर, 70 रुपए यूनिट डाल रहे हैं, जिसका 200 के ऊपर आता है उसका ये यूनिट है, जिसका 300 आता है उसका ये इतना यूनिट है, ठीक है, इतने पैसे डाल रहे हैं। डैम हम ये सोलर एनर्जी मतलब ये विंड एनर्जी क्यों नहीं इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे, ऐसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना रहे आपके ख्याल से? भाई ये खाने ले हैं लोगों, बस यही हम जानते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा, अल्लाह मालिक है। आए जी मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। का नाम? जी अली हुसैन मेरा नाम है। और आपका नाम? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं? जी मेरी गारमेंट्स की दुकान है, शॉप है। ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहले मुझे ये बता दें बिजली का बिल इस दफा आपकी शॉप पे कितना है? सर हमें बिजली का बिल आया है हमारी तो से ज्यादा आया है। कितना बिल आया? 45,000 आया, पहले हमें आता था 15,000-20,000। और बीच में कितनी लाइट्स और कितने पंखे या एसी? आजकल तो पंखा चलता ही नहीं है, हुकूमत जो हमें जो ऐसे कर रही है, हमारे साथ जुल्म कर रही है। ठीक है, मतलब मौसम ऐसा है कि पंखे की जरूरत नहीं, लाइट का सिर्फ 45,000 एक दो बल्ब जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पूरे इस खिते में, पूरे इस मतलब अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा जो बिजली का पर यूनिट रेट है वो पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का हमसे कम है, इंडिया का बहुत ही ज्यादा कम है। क्या कहना चाहेंगे? और अभी खबर ये आ रही है दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट जो सा सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो इंडिया लगाने जा रहा है, पहले वो बांग्लादेश को बिजली प्रोवाइड कर रहा था, अब UAE सऊदीया को भी वो बिजली प्रोवाइड करने जा रहा है, एक्सपोर्ट करने जा रहा है। क्या कहेंगे वो लोग जो घूमते है ना? माशाल्लाह अल्लाह इन्होंने हदायत दे दे ना, जो भी केड़ी घूमत आई इन्हें पाकिस्तान ने लुटे ही है, इन्ना को लुटे है, लुट लुट के जेड़ा पाकिस्तान दा दिवालिया कर दिता, क्योंकि वो सबको पता है ना कि भाई पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, इसका कुछ हो नहीं सकता। उन्हें ये पता है सानू अल्लाह दे तवक्कल, असी इन्हां नूं छड्ड दिता है ते असी अल्लाह दे तवक्कल चलने पे, सानू ते हुकूमत सानू ते लुट लुट के खा रही, लुट लुट के खा रही है। अच्छा क्या वजह है वो लोग इस तरीके से जो उनसे आए दिन कभी वो डैम बनाते हैं, कभी वो जो उनसे अपना उर्दू में जाकर उनके पास इतना ले के आते हैं उधर बाई से इन्वेस्टमेंट ले के, वाम को तो मिलता ही नहीं है, ठीक है। नहीं, इंडिया की अगर बात करें वहाँ पे जो ऐसे इसलिए अच्छे है वो उसकी अवाम के बारे में सोचते हैं, अवाम के बारे में सोचते हैं, वो कहते हैं यार ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा, हम इसे आप यूनिट भी कम दें और इसके साथ तामन भी करें। अच्छा आपको पता है आप मतलब शायद आपको हैरत हो अगर आपको ना पता होगा कि वहाँ पे इंडिया के कुछ ऐसे सिटीज कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बिजली फ्री है, आप मानेंगे इस बात के? नहीं ये मैंने ऑलमोस्ट 300 यूनिट फ्री है माशाल्लाह, ये तो बड़ी बात है, हमारे पाकिस्तान में होना चाहिए ये तो काम, ये तो हमारे पाकिस्तान में काम होना चाहिए। ये भाई से बात करते हैं, भाई आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं आपको इस खबर का पहले आपने सुनी थी कि भाई इंडिया के कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे 300 यूनिट फ्री है? बिल्कुल ऐसी सुनी है खबर पहले भी, पाकिस्तान में तो इधर तो उल्टा लूटते हैं सारे यूनिट वगैरह, जो बड़े लोग है ना उनके इतने फ्री है,
वो सारा पड़ता है हमें आवाम पे, आवाम के ऊपर सारा बर्डन डाला हुआ उन्होंने। वो जो प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं सोलर पावर प्रोजेक्ट, और दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और ये और लग रहा है ये इंडो पाक बॉर्डर, यानी इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उसे तकरीबन 10-15 किलोमीटर दूर पे लग रहा है। यानी वो अगर बॉर्डर पे लगा सकते हैं, हम इस साइड पे क्यों नहीं लगा सकते? हमारे इधर तरक्की नहीं हो सकती है, हमारे सिर्फ जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं ना, ये सिर्फ लड़ते रहते हैं, इन्होंने इसी काम लगे रहना। इंडिया बहुत आगे निकल गया हमसे, बहुत ज्यादा, हम काफी पीछे रहे। इंडिया, बांग्लादेश और ममालिक देखें, बहुत ज्यादा आगे चल गए। ये बात तो अब पूरी दुनिया को पता है। लेट्स सपोज इधर कोई कहेगा नहीं हम आ गए, तो लोग हंसेंगे। असि नहीं अगे, असि बहुत पीछे, जमीन के थले आ गए। बात ये करने वाली है, उसकी रीजन क्या है, कैसे आगे चले गए, क्या उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई? हमारे जो बड़े बैठे ने वजीर आजम, उन्होंने पॉलिसी बिल्कुल ऐसे ही है उनका, बस उनका अपना बड़ा सब कुछ। ठीक है, बेहतरी क्योंकि उम्मीद नजर आती है। आपको लगता है कि आने वाले टाइम में यार आप ऐसे चेंजिंग आ जाएगी, लोगों में शऊर आ रहा है, अवेयरनेस? महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, इंसान की पहुंच तो ज्यादा बहुत उत्ते चली गई है। इतने बेहतरी नहीं आ सकती, इतने अल्लाह का हुक्म दे नाल ही कोई हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लगे आन हुक्मरान बेत। हाँ, तो फिर आम भी तो उन जैसे उस तरह की हो ना, खुद भी करप्शन करते हैं, खुद भी दो नंबर। वो जेड़े मैं बताता हूं, वो जेड़े असी भाए ने ना सिफारसी दारियां दे चे, वो हमला ज्यादा करते हैं। आप क्या कहेंगे, मतलब हम कहते हैं हुक्मरान अच्छे आ जाए, लीडर अच्छे आ जाए, ये नहीं देखते मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक क्या कर रही है, कहीं ना कहीं दो नंबर करप्शन, अपना जो है ईमान सामना करना, ये चीजें बिल्कुल ऐसी बीच में हमसे भी हो जाता है, लेकिन हमारे हुक्मरान ज्यादा कर, बहुत ज्यादा।